हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अस्ना सिंह आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो हमारी सीरीज चल रही थी आंसर राइटिंग सीरीज, हिंदी में हम लोग कर रहे हैं आंसर राइटिंग। इसका आज पार्ट टू में लेकर आई हूँ, जो कि यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो स्टेट पीसेस में इसमें लिखना भूल गई हूँ, आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बता दी कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ करा रही हूँ तो हर एक स्टेट में अलग अलग है। जैसे एमपीपीएससी में 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे यूपीएससी में 120 यूपीपीएससी में 125 वर्ड्स लिखने को आते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये वर्ड लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग तय कर लीजिएगा कि आपको जिस चीज़ का एग्ज़ाम देना है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ड लिमिट तय करना। मैं सिर्फ आपको एक फ्रेम बना के दे रही हूँ आंसर का, आप उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स कम करिए, ज़्यादा करिए, एलेबोरेट करिए, जो मर्जी वो करिए, लेकिन बस फ्रेमिंग आपको मिलेगी यहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग उसको आंसर को अपने शब्दों में लिखोगे और अपने शब्दों में ही फ्रेम भी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं और स्थानीय विकास में इसकी भूमिका और इसके समक्ष चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो इसका मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले तो आपको बताना है पंचायती राज के बारे में, फिर इसकी भूमिका के बारे में बताना है और फिर इसकी चुनौतियों के बारे में आप लोगों को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये लिख सकते हो, पूरा पंचायती राज के बारे में समझा सकते हो, या पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में आया था उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें। तो पंचायती राज इसकी डेफिनेशन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित है पंचायती राज। योजनाओं के निर्माता की दिशा निम्न से उच्च स्तर की ओर होती है, मतलब कि यहाँ नीचे से ऊंचे तबके की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आपको बताना है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे दर्जा प्राप्त है। अनुसूची 11 और भाग 9 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसमें शामिल किया गया है। तो ये पूरा हो गया पंचायती राज की स्थिति के बारे में, पंचायती राज की भूमिका तो नहीं, पंचायती राज के बारे में आपने यहाँ पे बता दिया कि पंचायती राज क्या होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में। तो पंचायती राज की भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो विकास क्षेत्र की पहचान करना होता है, जैसे कि पानी, सड़क, स्कूल, शौचालय इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन इसमें किया जाता है, जो भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, जैसे वो जनधन योजना चली थी या फिर जो भी योजनाएं चलती हैं सरकार के द्वारा, वो सारी इसमें उचित क्रियान्वयन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें खर्च का लेखा जोखा रखा जाता है या फिर खर्च को जो भी सरकार से वित्त मिलता है उसको उसी के हिसाब से खर्च किया जाता है। पानी, सड़क, स्कूल, शौचालय आदि पे इसको खर्च किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसमें क्योंकि स्थानीय स्तर पर होता है तो इसलिए इसमें नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करना, जो भी स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय संसाधन जो हमारे होते हैं उसका प्रबंधन करना इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन था कि पंचायती राज के समक्ष चुनौतियां बताइए क्या क्या है। तो ये चुनौतियां हमने यहाँ पे लिखी है कि किसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। तो नौकरशाही का इसमें अत्यधिक नियंत्रण हो जाता है, मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका अत्यधिक नियंत्रण होता है। सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता होती है, क्योंकि खुद का वित्त तो होता नहीं है इनके पास, सरकार से जो पैसा मिलेगा तब ये काम करेंगे, तो इसलिए सरकारी निधि पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। सामाजिक अंकशेषण नहीं होता, मतलब कि समाज के लोगों का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या हो रहा है इसमें अंकशेषण नहीं किया जाता है। वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा या बहुत कम यूज होता है वित्तीय अधिकार, मतलब कि जिनके पास पैसा आ जाता है वो अपना पैसा जो सड़क, बिजली और शौचालय इन सब पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, या करते भी हैं तो बहुत कम अपनी जेबों में पैसा भरना चाहते हैं अगर मेनली इसमें कहा जाए तो।
नेक्स्ट है ग्राम सभा की स्थिति। ग्राम सभा की स्थिति ऐसी होती है कि उन्हें स्पष्ट अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारे किस क्षेत्र में कितने अधिकार सुनिश्चित हैं, तो इसलिए ग्राम सभा की स्थिति भी स्पष्ट नहीं होती है इसमें। तो आपको इसमें तीन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पंचायती राज की भूमिका, सॉरी पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज की भूमिका या विशेषताएं, और पंचायती राज के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है। ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना पे चर्चा कीजिए। ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना क्या होती है और उस पर चर्चा कीजिए। तो इसमें चर्चा में आप लोग क्या लिखेंगे ये मुझे कमेंट करके बताओ अभी कि चर्चा में आप लोग क्या लिखोगे। जब भी कभी आपको चर्चा करने को आएगी तो आप क्या लिख सकते हो इसमें। ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। कृषि संबंधित गतिविधियों सॉरी कृषि संबंधी गतिविधियों से उत्सर्जन को कम करने हेतु, मतलब कि कृषि संबंधी जो गतिविधियां उत्सर्जन माने कि जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं या फिर जो पॉल्यूटेंट उत्सर्जित होते हैं उसको कम करने के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना बनाई गई है। जैव विविधता और वन भूमियों के संरक्षण हेतु, अगर कृषि में उत्सर्जन कम होगा तो वन भूमियों का संरक्षण भी होगा, जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा इसमें, तो ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना इसलिए बनाई गई है। अब इसमें चर्चा में हम लोग इसकी विशेषताएँ डालेंगे, आप उद्देश्य भी डाल सकते हो, उद्देश्य विशेषताएं ये सब इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना की विशेषताएं, ये लिखा हुआ स्थानांतरित, आधा सौ है, स्थानांतरित भूमि और जल प्रबंधन के तहत कम से कम 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर किसी योग्य भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य हो गया कि इतने भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए। इस परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त प्रदान किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर इसको वित्त दिया जाएगा। कार्यकर्ता है किसान कल्याण विभाग द्वारा इसको चलाया जा रहा है और ये एक सदस्य एजेंसी है। 49 मिलियन टन के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजना मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों में लागू की जाएगी। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्सर्जन में कृषि और पशुधन की हिस्सेदारी जो अभी फिलहाल है वो है 18%। अन्य सहयोगी इसके हैं खाद्य व कृषि संगठन, केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, इसके जो नोडल एजेंसी कही जा सकती है वो है इसके। ये तो दो क्वेश्चन आज हमने किए, एक तो पंचायती राज से संबंधित, एक हमने किया ग्रीन एग्रीकल्चर से संबंधित। आपको दोनों क्वेश्चन होप समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में ये लेक्चर शेयर करना ज़रूर, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।